गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। अभी बजे है सुबह के 10:15 और हम सब लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं कहीं बाहर जाने के लिए, है ना जैस्मिन? अंजार, आपने क्यों बता दिया पहले से ही? वैसे तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अभी सीधा वहीं पर जाके मिलते हैं और वहाँ हम लोग किस जगह पर जाते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं वीर बाड़क स्मारक, जहाँ पे हमें जाना है अंदर। ये अंजार में स्थित है। 2021 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें सबसे ज़्यादा अंजार सिटी में नुकसान हुआ था, और उसमें 26 जनवरी को एक परेड थी जिसमें 185 बच्चे मौत हो गई थी ना, उसमें 185 बच्चों की अर्थक्वेक में डेथ हो गई थी, तो उसकी मेमोरियल में, उसकी याद में ये स्मारक बनाया है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है अंदर। रीवा यहाँ पे चिक्की खा रही है ना, रीवा शू खाई छे? मम्मा ठंडी लागे छे रीवा ने? नहीं नहीं लगती। हाय कही दे, हाय। तो चलो अंदर चलते हैं। आते ही रीवा को यहाँ पे फूल मिल गया है। रीवा को फ्लावर्स बहुत पसंद है। रीवा ना आत्मा शू छे ढींगू? शू छे फूल? कौन आयु? दीदी आयु। पानी पीवड़ावे। यहाँ पे उन सभी बच्चों के नाम और फोटोज़ है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि देख के ही कुछ हो जाता है। पता नहीं उन लोगों के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी उस टाइम पे, एक साथ इतने सारे बच्चे की डेथ हो गई वहाँ पे। सच में ये अर्थक्वेक में इन बच्चों की डेथ को कोई नहीं भुला सकता। कुछ वर्ड्स ही नहीं है, है ना जैस्मिन? हाँ, ये शोक की बात है बहुत ही। ये मैप में पूरा परेड का रूट दिखाया है। परेड स्वामीनारायण मंदिर से स्टार्ट हुई थी,
खत्री चौक धरती कम समय परेड नुस्तान, मतलब जब अर्थक्वेक हुआ था तब परेड यहाँ पे पहुँची थी खत्री चौक पे, और जाने वाली थी टाउन हॉल पे जहाँ पे एंड पॉइंट है। परेड के टाइम पे डेट थी 26 जनवरी 2001 और 8:46 AM को भूकंप आया था। 1.5 किलोमीटर की परेड थी, उसमें 185 टोटल स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी और 20 टीचर्स थे उसमें, एक साथ इतने सारे लोगों की डेथ। यहाँ पे कुछ स्टेच्यूज है जो दिखाते हैं कि परेड में बच्चे फ्लैग होस्टिंग करने के लिए कितने उत्साहित थे, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। भारत माता की। यहाँ पर एक म्यूजियम है, क्या हुआ जैस्मिन, बंद है? बंद लग रहा है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ के कारण आज बंद लग रहा है। ऐसा है क्या? अंदर बाहर से ही दिखा देती हूँ। ये म्यूजियम के अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और खेलकूद के लिए अलग से स्पेस भी है, और रीवा को यहाँ पे ऊपर नीचे चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो आऊ छे डिंगू, वी आर गोइंग, ओके टाटा। यहाँ पे उस टाइम पे भूकंप में कौन कौन से विस्तार असरग्रस्त हुए थे गुजरात में, उसके बारे में पूरा दिखाया गया है। ये देखो रीवा को तो कहीं पे भी पानी मिल ही जाता है। सो करे डिंगू, इंडोज एंडोस तो बोलता ही नहीं आवे, तू एंडोस कले छे। શું કલે ડિંગુ? ઇન્ડોસ કલે, પણ એ ગંદુ પાણી છે એનું શું? આવો એન્ડોસ કરી દો, હાલો આવું છે ઇન્ડોસ કલે ડિંગવાલ સર, પણ બીજું પાણી આપીશ તને, નવું નવું ડેડી બીજું પાણી આપશે, હાલ બીજું બીજું। रीवा को पानी में बहुत ही मजा आ रहा है। रीवा चलो बाहर आओ, के पानी थी रमू छे, पानी थी रमू छे। ये नो 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 नो, बेसवानू नहीं, स्टैंड अप, कई वांधो नहीं, मोमा इज गोइंग, ओके यू वांट टू कम विथ मी। अभी यहाँ पे एंट्री गेट के हमें पता चला कि म्यूजियम में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो वापस हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में। शू अंदर म्यूजियम में हमने जो स्मृति वन में देखा था ना,
टाइप का था, वहाँ पे जो बच्चे थे उनकी याद में उसकी कोई कोई चीज़ रखी थी, जैसे कि किसी की कंपास बॉक्स, किसी को मेहंदी लगानी अच्छी लगती थी तो उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे याद में मेहंदी के कोन रखे थे, किसी को कपड़े का शौक था, एक बच्चे का तो टेडी बियर था, उसको बहुत पसंद होगा, उसको अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े भी पहनाए गए। और एक गैलरी में सिम्युलेटर था जहाँ पे आपको ऐसा ही फील होता है कि अर्थक्वेक आया था, पहले उसका पहले का नज़ारा था कि अंजार में क्या क्या हो रहा था, परेड हो रही थी, और फिर अर्थक्वेक आया तो उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ पूरा अंजार सिटी में वो सारा बताया गया था। अंजार आखू भांगी ने टूटी गयु तू ना जिसमें, हाँ बहु नुकसानी थी। हाँ हाँ, बिल्डिंग ने साथ साथ बधा लोगों नो आत्मविश्वास पण टूटी गयो था। પણ આજે તમે અંજાર જો પાછું હતું ને એના કરતાં પણ વધારે સરસ થઈ ગયું છે, ઘણો વિકાસ થયો છે, ઘણો વિકાસ થયો છે, જે આગળ તમને બતાવશું હમણાં, તો આગળનો બ્લોગ જોવાનું નહીં ભૂલતા। યહાં પે બીચ મેં એક લાઇટ ઓન હોતી હૈ જો રાત કો ઇતની તેજ પ્રકાશ દેતી હૈ કે પૂરે અંજાર સિટી મેં દિખતા હૈ ઓર સબકો એસા હી લગતા હૈ કે આજ ભી એ સારે બચ્ચે ઓર ટીચર્સ હમારે સાથ तारे बन के देख रहे हैं, हमें महसूस करा रहे हो। म्यूजियम में रीवा ने टोपी सैंडल सब कुछ निकाल दिया है ना, उसको ऐसा लगा कि घर के अंदर सैंडल पहन के नहीं जाना है तो पूरा निकाल दिया। तू चल तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे हम लोग जाने वाले हैं अंजार की फेमस बांधनी की मार्केट है ना, जैसल तोरल समाधि। हाँ, जैसल तोरल की समाधि, और अंजार में बांधनी बहुत ही मस्त मिलती है, तो आपको दिखाएंगे कि बाजार में बांधनी कैसी है, साड़ी ड्रेस मटेरियल्स। बाहर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं ना। कच्छ की बांधनी फेमस, कच्छ की बांधनी फेमस है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिए क्योंकि वहाँ पे हम लोग जैसल तोरल की समाधि दिखाने वाले हैं आप लोग।